हेलो फ्रेंड्स, वन सेकंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं एक और शानदार वीडियो लेके आ गया हूँ आपके लिए, जो कि एक फ़ोन के ऊपर है, सैमसंग गैलेक्सी M51। अभी ये इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है, इसी के बारे में मैं आपको आज फुल डिटेल, फुल इसका इसके बारे में, इसके फीचर क्या है, इसके स्पेसिफिकेशन क्या है, सारा डिटेल में बताऊँगा। इसकी प्रोसेसर कितनी है, इसकी रैम कितना है, इसका स्टोरेज कितना है, इसकी बैटरी चार्जिंग कैपेसिटी वगैरह सारा चीज़ मैं आपको बताऊँगा, कैमरा वगैरह सारा चीज़। आप वीडियो में बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी बैटरी के बारे में बात करें तो बैटरी ही इसका मेन हाईलाइट है, जो कि 7000 एमएएच की एक बड़ी बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि और भी फोन्स में 7000 एमएएच की बैटरी आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सैमसंग ने ही शुरू किया है। सैमसंग का भी वो M51 में आपको देखने को मिलेगा। इसको फुल चार्ज करके आप 2 से 3 दिन तक आप आराम से आप अपने फ़ोन को चला सकते हैं। और इसकी चार्जिंग कैपेसिटी के बारे में बात करें तो 25 वाट की एक फास्ट चार्जिंग एंड रिवर्स चार्जिंग आपको देखने को मिल जाएगी। मात्र 1 घंटा में 0 to 100% चार्ज करने में आपको मदद कर देगा। वहीं पर इसकी डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगा इस फोन में, जो कि बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले है, आपके आंखों को प्रोटेक्ट करेगा। वहीं पर इसकी कैमरे के बारे में बात करें तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरे सेटअप के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको सोनी का सेंसर मिलेगा और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जूम आप 10x तक कर सकते हो। और वहीं पर इसकी फ्रंट कैमरे के बारे में बात करें तो 32 मेगापिक्सल का एक फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप HD प्लस आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। यदि आप ब्लॉगर हो, ब्लॉगिंग करते हो, तो आपके लिए ये फ़ोन बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। वहीं पर इसकी प्रोसेसर के बारे में बात करें तो इस बार सैमसंग ने अपना प्रोसेसर इसमें नहीं दिया है, इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G की चिपसेट आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप लो सेटिंग पर काफ़ी हैवी गेम आप खेल पाओगे। पबजी तो अब बैन हो गया इंडिया से, लेकिन इसके अलावा भी आप यदि गरीना फ्री फायर खेलते हो तो वो भी खेल पाओगे, या फिर इससे भी काफ़ी हैवी गेम इसमें आप खेल पाओगे इजी सेटिंग पर, लो सेटिंग पे। वहीं पर इसकी वेरिएंट्स और प्राइसिंग के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो इस 6+128GB की प्राइस होने वाली है 24,000 to 25,000 के बीच में ही रहेगी। और लास्ट में इसकी लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, 10 सितंबर को, यानी कि 10 सितंबर को ये फ़ोन लॉन्च होने वाला है अमेज़ॉन पे, या फिर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाके देख सकते हो, और उसी दिन इसकी सेल डेट अनाउंस्ड हो जाएगी, आप वहां से जाके उस दिन देख सकते हो फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस फ़ोन में सबसे अच्छा पार्ट, सबसे अच्छा फीचर इसमें कौन सा लगा आपको, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, फिर ठीक है, बाय, टेक केयर, अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।